हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़्ज़त में बताने जा रहे हैं चटपटे बैंगन, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलते रहेंगी। बहुत चटपटे और बहुत लजीज बनते हैं ये बैंगन। मैंने छोटे छोटे देसी बैंगन लिए, एकदम छोटे, ठीक है। 300 ग्राम बैंगन है ये। और उसके लिए मैंने दो टमेटोज बारीक काट ली हूँ, दो प्याज बारीक काट ली हूँ, 10 से 12 कड़ी पत्ता ली हूँ, आमचूर पाउडर 2 टीस्पून ली हूँ, धनिया पाउडर 2 टीस्पून ली हूँ, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ली हूँ, हींग 1/2 टीस्पून ली हूँ, हल्दी 1/2 टीस्पून ली हूँ, हसब ज़रूरत नमक डालूँगी, 2 टेबलस्पून हरा धनिया है, 1 नींबू का जूस है, 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है। यहाँ पर हमने तेल गरम को रख दिया है, लेकिन अभी मैंने क्या कर रही हूँ, बैंगनों को बीच में से काट के ऐसा कर रखी हूँ, छोटे छोटे बैंगन फिर भी बीच में से काटी और नमक के पानी में मैंने डुबो दी थी। अभी सबसे पहले इसके अंदर हम तेल में बैंगन डाल देंगे और ये तल कर थोड़ी देर निकाल लेंगे। अब इसको एक 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर मैं फ्राई कर लूँगी और आपको आगे बता। ये देखो इतने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। अभी मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना तेल रखी मैंने, देखो यहाँ पर मुझे लहसुन भी चाहिए, ठीक है। मैंने 1 टीस्पून लहसुन ली हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान कड़ी पत्ता डाल देंगे, कड़ी पत्ता में हम प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छे से कलर चेंज करने देंगे। उसी के अंदर हम एक गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, ठीक है, 1 टीस्पून जितना। देखो प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिए, हल्का गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। अब इसके अंदर हम टमेटोज डाल देंगे, सारे सूखे मसाले डाल देंगे, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और हींग, हसब ज़रूरत नमक। अभी हमने लेमन जूस बाकी रखे और हरा धनिया, अब इसको हम अच्छे से भुनेंगे। अब इसके अंदर मैं कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून पानी भी डालूँगी ताकि टमेटोज और अच्छे से गल जाए और मसाला भी अच्छे से भुना जाए, ठीक है। ये देखो ये टमेटो की प्याली थी, उसी के अंदर मैंने धोकर 4 चम्मच पानी भी डाल दी। अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे और एक 10 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम पे कवर करके हम बनाएंगे, एकदम मसाला अच्छे से गल जाए। इसके बीच में मैंने 2-3 बार हिला चुकी हूँ, ठीक है, भून रही थी मैं। देखो एकदम तरी ऊपर आ चुकी है, हमारा मसाला अच्छे से भुना आ गया है। अभी हम इसके अंदर जो फ्राई करे हुए बैंगन छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, एक 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे ताकि बैंगन तो अच्छे से हमारे गल चुके हैं, हमने फ्राई करे थे बोलकर, लेकिन इसके अंदर सारा मसाला जाए, बैंगनों के अंदर अच्छे से मसाला चढ़ जाए। एकदम फ्लेम को लो रखना है और इसको कवर कर देना है। अब देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे बैंगन रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें नींबू का जूस डालेंगे और ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, मगर ये बहुत ज़बरदस्त बैंगन लगते हैं ऐसे बनाएंगे तो, ठीक है। ये देखो और अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया, हमारे बैंगन हो गए रेडी। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बस इसको ऐसा ही हम सर्व कर देंगे, ये मेरी हांडी है, इसी में मैं सर्व कर दूँगी।